तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। एंड आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं पोस्टर डिज़ाइन कैसे करें। फोटोशॉप को ओपन करके हम उसके जो साइजेस है या उसका नेम है वो डालेंगे। एक रेक्टेंगल ऐड करेंगे। शिफ्ट प्रेस करके आप एक परफेक्ट रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक वर्टिकल थोड़ा रेक्टेंगल चाहिए था, तो मैंने ऐसे ही एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। उसका मैं कलर चेंज करूँगा, जो कि मैं पोस्टर बनाने वाला हूँ एक इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एंड उसके बाद मैंने जो इमेजेस डाउनलोड की थी वो एक एक करके मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा। तो पहली जो इमेज है हमारे स्टेडियम की, उसे ब्लेंड करने के लिए मैं एक ब्लेंडिंग मोड्स यूज़ करूँगा, जो कि हमारे लेयर्स पैनल में होते हैं। इस इमेज के लिए आई गेस ओवरले प्रिफर करूँगा लाइक। उसके बाद एक एक करके हम फिर से इमेजेस ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी इमेजेस हमने जो प्लेस किए, एक कंपोजिशन क्रिएट किया है। हम देख सकते हैं, मैं पहले इस लेफ्ट वाले को ठीक करूँगा तो, एंड उसके बाद मैं जो राइट साइड वाली इमेज है उसे भी थोड़ा सा ब्लेंड करने की ट्राई करूँगा सेम मेथड से। तो आप देख सकते हैं सारे एडजस्टमेंट हो चुकी है। एंड तो अभी हम क्या करेंगे, इस जो बीच की जो इमेज है उसकी जो शैडो है वो हम क्रिएट करेंगे। ओके, जो शैडो होगी लाइक शोल्डर के पीछे वाली, वो मैं थोड़ी सी क्रिएट करूँगा। एंड देख सकते हैं हमारा मतलब आधी डिज़ाइन तो ऐसे ही रेडी हो चुकी है हमारे लिए। इसकी मतलब जो राइट साइड की इमेज है उसकी भी शैडो मैं क्रिएट कर रहा हूँ लेयर स्टाइल की मदद से। एंड बाद में मैं एक एक करके जो टेक्स्ट है वो ऐड करूँगा। तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, जिससे कि आपको फाइनल फॉन्ट है जो आउटपुट में है वो मिलने तक मैं उसे प्ले करूँगा। एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, तो ये हो जाने के बाद मैं उस एक ब्रश लूँगा एंड उसे थोड़ा सा बड़ा करके टैप करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं पीछे से एक हाईलाइट क्रिएट हो चुकी है एंड जो हमारी डिज़ाइन है वो पूरा रेडी है पोस्ट होने के लिए। ओके, ऐसे वीडियोस और जो फोटोशॉप ट्यूटोरियल्स हैं और ज़्यादा डिज़ाइन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू। एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।